بسم الله الرحمن الرحيم تشریف لاتے ہیں واعظ خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم مکی صاحب خطیب اعظم سمندری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاگلو ہوئی ते सोना कुफर दी रात मुकान आया रा बुलिया जांदिया राहिया नू रा बुलिया जांदिया राहिया नू गली बाग बहिश्त वखान आया ते गोते खांदे अनु बैरे जुल्माती अंदर ते गोते खांदे अनु बैरे जुल्माती अंदर हाथ पाश फकत दा बने लान आया हर किस्म दी हमद सना अल्लाह जल्ला शान हुदी जाते बाबरकात दे वास्ते जिस रब्बे अर्जो समान ने सानू कुरान दी महफल दी अंदर आन दी तौफीक बख्शी है जिस रब्बे अर्जो समान ने सानू सेहत नाल ईमान नाल तंदुरुस्ती दे नाल कुरान और हदीस सुनन वास्ते मौका नसीब फरमाया दुआ फरमाओ जितनी देर बैठिए जो सुनिए सुनाइए अल्लाह अपनी बारगाह दी अंदर कबूल व मंजूर फरमाए सामईन मोहतरम नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दे सीने पाक दे उते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान उतारे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां जो अहादीस ने उन्हां दे अंदरों ऐसे चीज़ा सानू मिलदियां ने जिन्हां चीज़ा नू करन दी वजह तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस अता फरमांदे कुछ ऐसे लोग ने जिन्हानु अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात भी पसंद कर दी है ते नबी पाक दी जात भी उन्हां नल मुहब्बत कर दी है असी उन्हां वसफां दी अंदरों आज एक वसफ दे उत्ते बात करनी असी अपने अंदर उस वसफ नू पैदा करना है कि असी उस खूबी नू अपने अंदर समाइए ते असी भी अपने रब दी जन्नत दे मेहमान बन जाइए तवज्जो मेरी तरफ रखी आ जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन साडा आना सुनना कबूल व मंजूर फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जुई وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا وصف जड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भी पसंद ते अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस वसफ वाले नल प्यार करदे ने उस वसफ वाले नल मुहब्बत करदे ने ओ वसफ की है ओ वसफ है सबर करना एक बड़ी अच्छी आदत है सबर करन वाला बंदा दुनिया दे अंदर भी कामयाब है सबर करन दी वजह तो अल्लाह रब आलमीन इंसान दे दुखां नू दूर कर देंदे ने सबर एक ऐसा नेक अमल है सबर कितना प्यारा अमल है सबर कितना प्यारा वसफ है ना के अल्लाह रब्बुल आलमीन सबर करन वाले दे दिल दे अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा कर देंदे ने ऐसा उन्दे दिल दे अंदर कुवत पैदा हो जांदी है कि वो बंदा दुनिया दे भी दुख भुल जांदा है ते परेशानियां भी भुल जांदा है ना आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुनो ना अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تواڈے سامنے सबर दियां तीन किस्मां बयान करके ते अपनी बात नू खत्म करांगा. तवज्जो रखियो. सब तो पहली किस्म के इंसान सबर नेकी दे उत्ते किस तरह करे. जड़ा बंदा नेकी दे उत्ते सबर कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन नू ओ सबर कितना प्यारा लगदा. और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात नेकी दे उत्ते सबर करन वाले नू किस तरह जन्नत दे अंदर दर्जे देंदी. आओ तवज्जो करियो. मिसाल दे के बात समझाना नबी पाक दे सहाबी दी. मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत दा नवा नवा ऐलान कीता है. अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुक्म दे नाल हजे इस्लाम दा नवा नवा बोलबाला होया. मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने घर पाक दे अंदरों निकलते ने मस्जिद नबवी दे अंदरों निकलते ने ते नाल प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला नो. जदों मेरे नबी दे सहाबी दा नाम आए ते तेरी जबान ते रज़ी अल्लाहु तआला नू आउणा चाहीदा. जदों मेरे पाक नबी दा नाम आए दुरूद पढ़िया करना. दुरूद पढ़न दी वजह तो अल्लाह इत्थे बैठियां बैठियां तेरे दस गुना भी मुआफ कर देणगे. दस तेरे दर्जे भी बुलंद हो जाणगे. दस गलतियां भी अल्लाह मुआफ कर देणगे. आओ ना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद محمد सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इस तरह करके घरों निकले ने. आका अलैहिस्सलाम नू बड़ी भुख लगी है. बड़ी शिद्दत दी प्यास लगी है. तुसी जानते हो कि इस्लाम जदो नवा नवा आया ते उस दिना दे अंदर इतनी कोई खाण पीन दियां चीज़ा भी कोई नहीं. मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर दे अंदर तीन तीन दिन तक आग नहीं बलदी है. आका इस तरह निकले ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला नू भी नाल जंगल दे अंदर बाहर निकल जांदे ने. तवज्जो मेरी तरफ. मेरे आका इस तरह बाहर निकले ने. वेखिया एक चरवाहा बकरियां पिया चरांदे. मेरे आका आवाज देंदे ने ओ चरवाहे क्या तेरे रेवड़ दे अंदर कोई ऐसी बकरी है वे के जड़ी दुध देंदी होवे. मैनू दुध पिला ते आ मेरे साथी नू भी बड़ी शिद्दत दी भुख लगी है. ये चरवाहा कहिंदा ओ सोने चेहरे वाले ऐसे जैसा चेहरा मैं अज तक वेखिया कोई नहीं. मेरे रेवड़ दे अंदर सारियां बकरियां बांझ ने कोई भी दुध नहीं देंदी. मेरे आका अलैहिस्सलाम इस तरह इशारा करते ने. आंदे ने ओ अल्लाह वालिया अगर वो सामने जड़ी बकरी खड़ी है ना अगर इंदा मैं दुध चेक करा शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दुध दे दवे. मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रहमत वाले हाथ फेरे अपने शफकत वाला हाथ जदो बकरी दे उत्ते फेरे आए ना बकरी अल्लाह दी रहमत दे नाल दुद्ध दुद्ध जांदी है. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्तन पकड़िया बकरी दा दुद्ध चोया आप भी पीता ते अपने यार प्यारे सिद्दीक नू भी पिला दिता है. मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए मंजर वेख के आका दी ए करामत वेख के आका दा ए मौजजा वेख के ओ चरवाहा बड़ा ही गर्विदा होया ते दिल च बड़ा प्यार आ गया के किन्ने सोहने चेहरे वाला है ते अज तक इस जैसा वेखिया नहीं ते इंदे हाथ लाया मेरे रेवड़ दे अंदर बरकत बह गई है. चंद दिन गुजरे मेरे बाग पैगंबर अली मुसलम दोबारा इस तरह वादी दे अंदर गुजरते पे ने ते दोबारा इस चरवाहे नाल मुलाकात होंदी है. आका फरमांदे ने ओ चरवाहे अज मैं तेरे कोलों दुध पीण नहीं आया. अज मैं
मैं तेनू एक गल कहना आ, अगर उस गल की तस्दीक कर लवेगा मेरा अल्लाह तेनू दुनिया के अंदर भी रिजक देगा ते आखरत जन्नत का मालिक बना देंगे। आंदा दसो जी मैं ते पहले ही तुहाडा बड़ा ही करीम ते तुहाडे करीब हो चुकिया वा, मैं ते पहले ही अपना दिल तुहानू दे चुकिया वा ना। मेरे आका फरमांदे ने फिर कहंदे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। कलमा पढ़ लेंदे चरवागा ते मुसलमान हो जांदा है। इस चरवाए दा नाम भी सुन ले, इंदा नाम ही प्यारे बिलाल हबशी रदी अल्लाह गोताला नो। मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़ी आई, कलमा पढ़न तो बाद ए गुलाम उमैया उमैया बिन खलफ दा है। उमैया बिन खलफ बड़ा जालम है, बड़ा जाबर है, बड़ा ही जुल्म सितम करने वाला बंदा है। इनू पता चलता है कि मेरा गुलाम बिलाल जड़ा है, ए जड़ा नबी है, जड़ा नबी मुहम्मद है, जिन्हें नवा नवा नबूवत का ऐलान किया है। ये उनका गर्वीदा हो चुकी है, ये प्यारे बिलाल दे गले दे अंदर रस्सी पा लेता है ते उबाश लड़कियां दे हथी पकड़ा के कहता है जाओ इनू मक्के दियां गलियां दे अंदर घसीटी फिरो। ते प्यारे बिलाल दे गले दे अंदर रस्सी दे निशान पै जांदे नी। ओ बिलाल दी कजमत ते मुकाम वेखी ना, मैं तेनू दसना चाहना जदो बंदा नेकी दे उत्ते सबर कर लेंदा है मेरा अल्लाह कितने दर्जे दुनिया ते अता करदा है ते कितनियां बुलंदियां अल्लाह आखरत दे अंदर दे देंदे ने। प्यारे बिलाल नू कदी तपदी रेत दे उत्ते लिटा देंदा है ते कई कई दिनों तक पानी भी बंद कर देंदा है ना, कई कई दिनों तक भुखा ते प्यासा रख देंदा है। इत्थे तक ही नहीं बल्कि जदो अरब दी तपदी रुप हुंदी है, दोपहर दा वेला हुंदा है, सूरज बड़ियां लाटा मारदा हुंदा है, ते आप दे प्यारे बिलाल नू अपने गुलाम बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला नू रेत दे उत्ते लिटांगे, उत्ते बल दे अंगारे बाल गए, उत्ते बिलाल हबशी नू लिटांगे, उत्ते सीने दे वजनी पत्थर रख देंदा है। ते की आंदा है? आंदा या तू मुहम्मद नाल कुफर कर ले या मर जाएगा इस हालत दे अंदर। ते प्यारे बिलाल अपनी जबान चो की आंदे ने कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ओ उमैया तू जिन्ना दौर लाना ही ला लै, मैं अपने नब दा कलमा नहीं छड़ना, मैं तुम्हारे प्यारे पाक नबी दा कलमा नहीं छड़ना। आओ ना फिर वह भी वेला आंदा है ना मेरे पाक पैगंबर लई मुसलातु वस्सलाम कोलो प्यारे बिलाल दे दुख बर्दाश्त नहीं हुंदे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी ओ जड़ा चरवागा ओ बिलाल जिन्हें तुहाडा कलमा नवा नवा पढ़िया है ना, उस बिलाल नू उमैया बड़े जुलम देंदे, उन्हू बड़े सितम करदे ते मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। आका भी जाके वेंदे ने उमैया बड़े तरह तरह दे जुलम देंदा पी है, कदी थप्पड़ मारदा, कदी सोटे मारदा, कदी चपेड़ा मारदा ते कदी साफ दे अंदर वलेट के धूनी दे देंदा। मेरे आका कहंदे ने अबू बकर इंज करिए ना थोड़ा जा पैसा इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करके बिलाल नू आजाद करवाइए। आका अली मुसलाम ने बिलाल नू आजाद करवा के बिलाल नू खरीद के आजाद करवा दिता। ते एक दिन ना वक्त गुजरता गया, आ पिछला महीना में राज दा गुजरिया रजबुल मुरजब दा, आका अली मुसलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेराज करवाई। सोने पाक पैगंबर अली मुसलाम ने मेराज दी रात जन्नत भी वेखी है ते जहन्नम भी वेखी है। आका फरमांदे ने जदों मैं जन्नत दे अंदर गया ते जन्नत दे अंदर दाखल होण तों पहले मैं एक इंसान दे चलण दी आवाज़ सुनी, कदमां दी आहट सुनी। मैं पुछिया जिबरील ए केड़ा खुश नसीब है
जड़ा मैं मुहम्मद तो पहले ही जन्नत दे अंदर उंदे कदमां दी आवाज़ है। आका अली मुसलाम नू दसिया जांदा है, आका जी तू आड़ा प्यारा बिलाल, बिलाले हबशी रज़ी अल्लाहु ताला नो ए उन्हां दे चलण दी आवाज़ है। मेरे आका मेराज तो वापस आए, आका मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने, आका अली मुसलाम ने बिलाल नू सदिया है ते दसिया बिलाल मैं जन्नत दे अंदर तेरे पैरां दी आवाज़ सुन के आया। ते बिलाल मैनू दसना तेरे कोल केड़ा वजीफा है, तेरे कोल केड़ी ओ करामत है, तेरे कोल केड़ा ओ ऐसा नेक अमल है जिंदी वजह तो मेरे रब ने तेनू इतने दर्जे दे दिते ने। प्यारे बिलाल कहिंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जी अज तक शिरक भी नहीं कीता, अल्लाह दी जात दे नाल शिरक नहीं कीता, अपने रब नू रब मनिया ते तुहानू अल्लाह दा आखरी नबी मनिया ते दूसरा मेरा अमल सुन लो। आका अली मुसलाम नू कहिंदे ने जदों भी मेरा वुजू टुटदा है मैं अपना वुजू बना लैना वा ते मैं वुजू दी हालत दे अंदर अक्सर रहा करना वा ते की तीसरा अमल दसदे ने। हज़रत बिलाल हबशी कहिंदे ने कि तीसरा अमल मेरा ए वे जदों तो मैं होश संभाली है, जदों तो मैं कलमा पढ़िया है, जदों भी वुजू कर लैना वा ते दो रकता अपने उत्ते लाजम ते मलजूम कर लैना वा, अपने उत्ते दो रकता पढ़निया फर्ज कर लिया होइया ने कि जदों भी मैं वुजू करना वा ते यही सोचना वा कि मेरे रब दा मेरे उत्ते एक फर्ज रहिंदा है, मैं अपना रब दा फर्ज दो रकता समझ के पढ़ लैना वा। मेरे आका फरमांदे ने फिर यही वजह है ना, इसे वजह तो मेरे रब ने तेनू जन्नत अदा कर दिती है। ए जे नेकी दे उत्ते सबर करन दा सिला, अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशय من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات। किते अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक दे अंदर दूसरे मुकाम ते ऐलान फरमांदे ने, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। बात की समझ आई कि नेकी करनी है ते उंदे उत्ते हमेशगी करनी है, इस्तकामत करनी है, ते साडा की अमल है। रमजान आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ते नमाज सिर्फ रमजान च पढ़नी, इस तो इलावा पूरा साल नमाज दे करीब नहीं आना। कुरान ने तो उसनू सिर्फ रमजान तक महदूद कर दिता है। और ना मेरे भाई, अगर नेकी करनी है तो उनके उत्ते इस्तकामत भी इख्तियार करनी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नु हदीस पाक दे रावी ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे अब्दुल्ला तू बड़ा ही चंगा बंदा है, तू बड़ा ही नेक बंदा है, अगर तू तहज्जुद दी नमाज पढ़ लवे। आका फरमांदे ने बड़ा ही बदबख्त हो बंदा है, बड़ा ही पलीत हो बंदा है, बड़ा ही मनहूस हो बंदा है, जड़ा पहले नेकी करदा रहा होवे ते बाद दे अंदर नेकी नू छोड़ देवे, नेकी तो मुंह फेर लवे। आका फरमांदे ने ऐ मेरे अब्दुल्ला अगर तहज्जुद पढ़े फिर उंदे उत्ते इस्तकामत इख्तियार करी। आका दी हदीस की है, अमल पावे थोड़ा हो वे, नेकी पावे थोड़ी करो पर हमेशगी दे नाल करो, मुस्तकल मजाजी दे नाल नेकी करो। नमाजी है ते पक्का नमाजी बन जा, कुरान दी मुहब्बत है ते पक्की मुहब्बत कुरान दी सीने दे अंदर पा ले। आ मैं दूसरी किस्म सबर दी की तेनू दसना चाहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलामे पाक दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशय من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات। असी अपने बंदियां नूं कदी तंगी दे के अजमाने आ, कदी खुशी दे के अजमाने आ कि मेरा बंदा बेसबरी ते नहीं करदा। मेरे बंदे नूं अगर खुशी दित्ती जाए ते खुशी दे अंदर भी सबर करदा कि नहीं करदा। इनू अगर अजमैश दित्ती जाए, अगर इनू तंदुरुस्ती दित्ती जाए
हर हालत दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात अपने बंदे दी अदमैश करती रहती है। आओ ना सबर दी दूसरी किस्म सुन के जाओ। पहली किस्म नेकी करनी है ते उन्दे उत्ते सबर करना है, नेकी दे उत्ते इस्तकामत करनी है। दूसरा अमल के सबर जड़े गुनाह दे उत्ते भी सबर करना है, गुनाह दे उत्ते भी सबर करना है, गुनाह दे उत्ते सबर की है। आओ इस दी मिसाल सुन लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकाने हमीद दे अंदर सूरह यूसुफ नू उठा के पढ़िए। अल्लाह दे पाक नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जदो जुलैखा ने गुनाह दी दावत दिती है, इंतजाम भी बड़े कीते ने, बंद कमरियां दे अंदर भी ले जांदी है, कोई वेखण वाला नहीं है, बड़े बड़े दरवाजे बंद ने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान की ऐलान फरमा रहे है, तवज्जो मेरी तरफ रख, इधर उधर ना वेख, बड़ा कीमती वक्त लेके आया तेरे कोल। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक नबी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जदो बंद कमरियां दे अंदर तनहाई दे अंदर शैतान ने भी बड़ा वस लाया, शैतान तनहाई दे अंदर इंसान दा बड़ा वड्डा दुश्मन बन जांदा है ना। अल्लाह कुरान दे अंदर फरमांदे ने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुनाह दे उत्ते सबर करके सबक दिता है। अल्लाह फरमांदे ने وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहिंदी है मेरे दिल दी तस्कीन पूरी करो ना, आओ अज असी तनहाई दे आलम दे अंदर। नबी यूसुफ ने सबर कीता ही गुनाह दे उते, आंदे ने अल्लाह दी पनाह है मैं इस जैसे गुनाह नू नहीं करना क्योंकि रब दा कुरान है, अज़ानियतु वज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। आओ मेरे भाइयो दूसरी मिसाल सुन लो, गुनाह दे उते सबर किस तरह करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। सबर करो अगर ईमानदार हो तो सबर करो, अगर ईमान वाले हो तो नेकी ते भी सबर करो, अगर ईमान वाले हो तो गुनाह ते भी सबर करो। आ मेरे नबी पाक दा एक और परवाना ही, मेरे नबी पाक दा एक और यारी, ए ईमान वाला बड़ा ही नवा नवा इस्लाम कबूल कीता, मेरे आका अलैहिस्सलाम ड्यूटी की ला दी थी है, ए मेरे नबी दे परवाने, ए मेरे सहाबी इस तरह करना। मक्के दे अंदर कोई मुसलमान कैदी अपने कैद ने उन्होंने छुड़वा के लिया करना, आंदे अल्लाह दे नबी जी मैनू चोरी की आदत है, मैं इस्लाम तो कबूल करना वा लेकिन मैं चोरी नहीं छड़ सकता। आका फरमाते ने तेरी ड्यूटी है वे जा कैदिया छुड़ा के ले आया कर, तेरी आदत भी पूरी होंगी रहेगी, मेरा रब तेनू जन्नत का मालिक भी बना देगा। ये निकलते ने रातों रात मदीने निकले मक्के दिया गलिया के अंदर पहुँचते ने, एक नाम की है उन्नाक नामी औरत है, ये एक जानिया औरत है। तो हजरत अबू मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला ने जो अपने कैदी छुड़ाने वास्ते मक्के दिया गलिया के अंदरों गुजरते पे ने, शहजादा जो गुजरदे अन्नाक नामी औरत जिंदे नाल पहले ही दोस्ताना तालक पहले इस्लाम कबूल करन तो पहले वे ये पहचान लेंदी है, आंदी है तू मरसद है ना, आंदे ने हाँ हाँ मैं मरसद हाँ, आंदी अज मेरे नाल रात गुजार, अज आप अपने दिल की तस्कीन पूरी करने हैं। तवज्जो कनी जो बंदे नू अल्लाह ईमान देवे बंदा गुनाह ते किस तरह सबर कर दे। हजरत अबू मरसद कहिंदे ने ना ना ए मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अल्लाह दे पाक नबी अलैहिस्सलाम कोलो अल्लाह दा कुरान सुन के आ चुकिया वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर फरमा दिता है कि गुनाह दे करीब नहीं जाना, फहाशी दे करीब नहीं जाना। ए की करदी है शोर पा देंदी है, आंदी है मक्के दे लोगो जेड़ा तुहाडे कैदी चोरी करके ले जांदा है आओ बंदा है। हजरत अबू मरसद कहिंदे ने लोग मेरे पीछे दौड़ना शुरू
हो गए। दस बंदियां मेरा पीछा करना शुरू किया, मैं एक गार दी अंदर जाके छुप जाना वा। मेरे रब ने मेरी मदद की थी, वो मैनू लभ नहीं सके, मैनू तलाश नहीं कर सके। मैं दोबारा निकलिया कैदी छुड़ा के जो मदीने पहुंचिया। इस रात दे वाके नू मैं अल्लाह दे पाक नबी अलैहि सलाम दे सामने बयान किया, ते मैं इजाजत मंगना वा सोनिया। वो औरत मैनू बड़ी पसंद करती है, मेरे नाल बड़ा प्यार करती है, अगर तुसी इजाजत देवो अल्लाह दे नबी जी मैं इंदे नाल शादी कर लवा। मेरे पाक पैगंबर खामोश रहे, दूसरी बारी पूछिया आका खामोश रहे, तीसरी बारी पूछते ने आका खामोश रहे। आखिरकार अल्लाह ने कुरान बनाया ही, अल्लाह फरमाते ने अज़ानी लायन की गु इल्ला ज़ानियत औ मुशरिका व हुर्रिम ذلك अल मुअमिनीन। मेरे नबी पाक फरमांदे ने अबू मरज़द, अल्लाह ने मोमना वास्ते पाकीज़ा बीवियां रखियां ने, तू ए जानी औरत है, मुशरक औरत इंदे नाल निकाह दी इजाजत नहीं है। गुनाह दे उत्ते सबर कर लिया ई अबू मरज़द ने, गुनाह दे उत्ते सबर कीता ई नबी यूसुफ ने। आ ना मैं तेनू एक और मिसाल दे के अपनी बात नू समझावा। आओ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बनाई है ना, अगर उन्होंने जदों कह दिता रब्बू नल्ला, फिर उन्दे उत्ते इस्तकामत इख्तियार कीती है, ऐसी इस्तकामत इख्तियार कीती है, ऐसा सबर कीता है। अगर नेकी कीती ते फिर भी सबर कीता, गुनाह तो रुके ते फिर भी गुनाह ते सबर कीता। आओ ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबर दी तीसरी किस्म केड़ी बयान कीती है। तीसरी किस्म एक कुरान दे अंदर इंदा बड़ा ही दर्जा है, बड़ी फजीलत। जड़ा बंदा इस तीसरी सबर दी किस्म नू अपने अंदर समांद है, अजमैशां ते सबर करद है, परेशानियां ते सबर करद है, बीमारी आए ते सबर करद है, दुख आए ते सबर करद है, उन्दे वास्ते मेरे रब ने बड़ा ज्यादा अजर अता कीता ते बड़ा सवाब रखे है। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान नू सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वल्लदीना आमनु व अमिलु सालिहादी, ओ लोग जड़े ईमान ले आए ते नेक अमल कीते ते नाल नाल सबर करदे ने, उन्हां दे वास्ते अल्लाह अजर की रखे। अल्लाह फरमांदे ने उलाइक लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर। आओ दूसरा मुकाम कुरान दा सुनो ना। अल्लाह फरमांदे ने अस्साबिरीन वस्सादिगीन वल्कानितीन वल्मुन्फिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल्असगार। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबर करन वालियां दी तीसरी किस्म जड़ी बयान कीती है। अल्लाह फरमांदे जदों अजमैशां आउण ते बंदा जदों सबर करदा है अजमैश दी अंदर, मेरे रब नू ए बंदा बड़ा ही चंगा लगदा है, अल्लाह नू इस बंदे नाल बड़ा ही प्यार है। यही लोग ने जिन्हां दे बारे अल्लाह ने ऐलान कीता है कि मैं सबर करन वालियां दे नाल। आओ ना अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान पढ़ के वेखिए। कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह ने अपने एक नबी दा तज़किरा कीता ही। वो नबी कौन ने? नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने। 18 साल तक बीमारी दे अंदर रहे ने, 18 साल बीमारी रही है, अपने भी छोड़ गए, बेगाने भी छोड़ गए, सकियां बीबियां भी छोड़ गईयां, एक बीबी तो इलावा बाकी सारियां छोड़ के चलियां जांदियां ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान नू सुनी ते अपने दिल दे अंदर ठंड बा के जावी। मैं दसना चाहना सबर दी तीसरी किस्म। पहली किस्म नेकी दे उत्ते सबर करना, दूसरी किस्म गुनाह दे उत्ते सबर करना, तीसरी किस्म अजमैश आए, बीमारी आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, सबर करेगा मेरा अल्लाह जन्नत भी दे देंगे, अल्लाह गम भी दूर कर देंगे। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम नो 18 साल गुजरन तो बाद कोई कहता नबी अय्यूब ने फला गुनाह किया होएगा, तद ही इस अजाब दे
अंदर मुसलत है। कोई कहंदा नबी अयूब दे उत्ते अल्लाह ने रहम नहीं कीता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफों जदों अजमैश आ जाए फिर दरबारां ते ना भजया कर, ना इना पीना फकीरां कोल भजया कर, बल्कि अपने रब दा दरवाजा खड़काया कर। कौन रब जिस रब ने नबी यूसुफ नू भी बचाया, कौन रब जिस रब ने अबू मरसद गनवी नू भी बचाया, कौन रब जिस रब ने नबी अयूब नू भी शफा दी। अल्लाह फरमांदे ने वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़ुर्रा व अंता अरहमुर राहिमीन। 18 साल गुजरन तो बाद अपने रब की तरफत चुक के कहिंदे ने अल्लाह मैं तेरे कोलो इस मुआफी दा तलबगार, मैनू तकलीफ पहुंची है इस मेरी अदमैश नू कट दे। अल्लाह ही बीमारियां नू दूर करन वाले, अल्लाह ही शिफावां देन वाले, अपना कीदा बना ले पोतर देवे दियां देवे रब देंदे। अगर ले लवे ते ओ रब दी रजाई, अगर बीमारी है ते शिफा भी मेरे रब ने देनी है। नबी अयूब अलैहि सलातु वस्सलाम नू जदों शफा मिली है अल्लाह दा कुरान सुन, अल्लाह फरमांदे ने फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिया व अहलुहु। अल्लाह कहिंदे ने असीं तकलीफ भी दूर कर दित्ती, असीं बीवियां भी वापस लुटा दित्तियां, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नबी अयूब अपने पैर नू जमीन ते छंड, जमीन ते पैर मारिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारियां बीमारियां दूर कर दितियां ने। आसमान तो सोने दियां टिडियां दी भी बारिश हो रही है, चांदी भी आसमान तो बरसना शुरू हो गई है। बात की समझ आई, अगर अजमैश ते सबर कर लई है मेरा अल्लाह सबर करन दी वजह तो बीमारी भी दूर कर देंदा ही, अल्लाह अजमैश भी कट देंदे ने ते अल्लाह माल भी दे देंदे ने ते अल्लाह सेहत भी दे देंदे ने। अगर अजे समझ नहीं आई कि अगर अजमैशां दे अंदर सबर कीता जाए तो मेरा रब किस तरह देंदा अजर, आना मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम आप दे सीने पाक ते उतरन वाले कुरान नू पढ़िया करो ते कुरान दे अंदर ऐसियां बड़िया मिसालां मिलदियां। नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र दे अंदर बच्चा मिलिया, बीवी भी बड़ी प्यार करन वाली, ते अल्लाह दा आर्डर आया ऐ मेरे इब्राहिम इस दुध पींदे बच्चे नू ते अपनी गमखार बीवी नू लेके फलां मुकाम ते बियाबान जंगल दे अंदर छोड़िया। अज साडे अंदर ऐसा जज्बा ऐसा ईमान ऐसी ताकत नहीं, ये जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने पकड़िया ते फलां मुकाम ते छोड़ा है जिथे अज अरब दी धरती ते बैतुल्ला मौजूद है, खाना काबतुल्ला मौजूद है। नबी इब्राहिम ने की कीता, दुध पींदा बच्चा लिया एक खजूरां दा थैला लिया छोड़ के आ गए ते पिछा मुड़ पैंदे ने, बीवी बच्चे वाल नजर भी दुड़ा के नहीं वेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान सुन, अल्लाह फरमांदे ने वाइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी जाल हाज़ल बलद आमीना वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल अज़नाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी अजमैश आ गई है बीवी बच्चे नू छोड़न दी, ते बियाबान जंगल है कोई चरिंद परिंद नहीं, कोई हैवानात नबातात नहीं, कोई इंसान नहीं, बियाबान जंगल दे अंदर दुध पींदा बच्चा छोड़ के एक इस तरह पहाड़ी दी ओट दे अंदर खड़े हो गए, अखां जो आंसू बहा के अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफ हाथ चुक के कहिंदे ने रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लगा व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लग। कदी आंदे ने रब्बना अरे मेरे अल्लाह इस जगह नू अमन वाली बना देवी, अल्लाह इत्थे बरकतां उतार देवी। मैं दसना की चाहना वाकया तुसी बड़ी दफा सुनिया होए गा, लेकिन दसना ये चाहना कि जो तो बंदा रब दी रजा दे अंदर सबर कर लवे, अजमैश आउण ते सबर कर लवे, फिर मेरा अल्लाह किस तरह
अजर दें दे। अज वेखना रब की धरती दे उत्ते वन सवन्ने फल भी मौजूद ने, उत्थे वन सवनिया बगारा भी मौजूद ने, उत्थे वन सवन्ने पानी भी मौजूद ने। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबर करन दी वजह तो किस तरह उत्थे बहारा लगा दितियां ने, ते किसे दिल वाले बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी आई ना। ते आओ असी भी दुआ करने आ मिल गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू ही ओ पाक धरती नसीब फरमाए। आगे दिल वाला की आंदा ही आंदा कोई ऐसा करम कमा मौला सानू दर अपने ते बुला मौला, कोई ऐसा करम कमा मौला सानू दर अपने ते बुला मौला, विच हरम नुमाज पढ़ा मौला पढ़िए एक तलख बना मौला, जड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाजू खिलारे ने। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैनु अल्लाह अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, कसरत नाल दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम कसरत नाल दुरूद पढ़ेगा तू ते मेरा रब जान दा सुभाव पैदा कर देगा। कसरत नाल तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, मेरा अल्लाह बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां नसीब फरमा देगा। दिल वाला की आंदा ही आंदा जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाजू खिलारे ने, थावां मलिया नबी सुहारे ने सानू थावां ओ वखा मौला, ए संदल बजूरी किस कम दे मंगा टूटियां जम जम, मंगा टूटियां कूलर जम जम दे, साडे वग दे खंजू तां थम दे सानू जम जम रज पिला मौला। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी इब्राहिम दे सबर करन दी वजह तो अल्लाह ने उस जगह नू धरती नू पाक बना दिता, किस्मत वाली बना दिता है। आओ ना सबर दी दूसरी किस्म, आओ मैं तुहानू एक और मिसाल दे के अपनी बात नू अगे चलाव। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मेराज ते गए, आका अलैहिस्सलाम ने जदों जन्नत दा नजारा कीता, जन्नत दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत दे चलण दी भी आवाज सुनी है, एक औरत दे जन्नत दे अंदर भी पैरां दी आहट सुनी है। ये औरत कौन है? ये बड़ी पाकीज़ा खतून है। ये औरत कौन है? बड़ी मुकद्दरा वाली है। इंदा की मुकद्दर है? इंदा की अमल है? इन्हें किस तरह का सबर कीता ते मेरे रब ने किस तरह का अजर दे दिता है? मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे मैं जन्नत च गया ते मैं आहट सुनी ते मैं पूछा है कौन? फरमाया आका जी तुहाडी एक सहाबी है। आका जो वापस आए तो उस सहाबिया नू मिले, अल्लाह वाली है तेरा की अमल है? यो बीबी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह को ताला अन्हा ने अपनी खावन दी बड़ी फरमा बरदार है, खावन नाल बड़ी मुहब्बत करन वाली है, खावन बारो तिजारत करके आया। अल्लाह ने एक ही पुत्र दिता होया जी, पुत्र अल्लाह नू प्यारा हो जांदा ही, ते सबरां वाली औरत अपने बच्चे नू खुद ही गुसल देंगे, कफन पहना के घर दी एक नुक्कर दे अंदर छुपा के रख देंदी है। खामंद आए, खामंद आए ओनू खाना पेश कर दिता है, ओनू दसिया नहीं, ओनू परेशान नहीं कीता, रात उंदे नाल गुजारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक नबी फरमांदे ने ए अल्लाह वाली रात गुजारन तो बाद सुबह हुंदी है, आंदी है ऐ अबू तलगा ऐ मेरे सिर दे ताज, अगर किसे बंदे ने किसे कोलों अमानत लई होवे ते ओ अमानत अपनी वापस ले लवे ते इंदे अंदर कोई दुख ते नहीं करना चाहिदा ना। ए कहिंदा दस ना की होया, आंदी है ऐ मेरे सिर दे ताज अल्लाह सानू जड़ी दौलत ते ईमान वाला बच्चा जड़ा सानू नेमत दित्ती सी अल्लाह ने लै लई है, क्योंकि रब दा फरमान है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, क्योंकि अल्लाह दा फरमान
फरमाने कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने फना होने, हर चीज मौत आनी है। ये अल्लाह वाली बड़े प्यारे अंदाज नाल अपने सिर दे ताज नू समझा रही है। आंधी अल्लाह ने वो जड़ी अमानत पुत्र दिदा सी वह वापस ले लिया, तो हूँ वापस ले लिया, तो असी अल्लाह दे अगे शिकवा नहीं करना। ये अल्लाह वाला की कर दे आंदे तू मैनू पहले क्यों नहीं दसिया। ये सुबह हुंदी मस्जिद नबी दे अंदर गए जनाबे अबू तलका जाके आका अलैहि सलाम नू दसिया, ते आका अलैहि सलाम कहिंदे ने अल्लाह तेरी रात गुजरी होई दे अंदर बरकत पावे, इस बीबी सबर की तई ते अपने खामंद नू परेशान नहीं कीता। अजमैश आई है, परेशानी आई है, पुत्र दुनिया तो अल्लाह लै गया, ते अजमैश दे अंदर सबर की तई ते अल्लाह ने इंदे बदले एक बहुत प्यारा गौर बच्चा अदा कर दिता ही। ते मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने तेरे सबर करन दी वजह तो, तेरे अपने खामन दी फरमा बरदारी करन दी वजह तो मैनू ये नजारा करवाया कि तू कदमा दे तेरे चलन दी आवाज मैं जन्नत दे अंदर सुनी है। ताइयों फिर मैं अना अल्लाह फरमांदे ने वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जुउ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वज़्ज़मरात व बशरिस साबिरीन। मेरे भाइयों अपनी औलादां नू कुरान की तरफ ले आओ, अपनी औलादां नू दीन की तरफ ले आओ। अगर कोई सोचता कि कुरान की तरफ औलाद नू लावांगा तो शायद मैनू बड़िया बड़िया जमैशा हो गईं, मेरा पुत्र भुखा मर जाएगा, मेरे पुत्र नू मोल भी लोग कहणगे। ना ना अल्लाह दी कसम, अगर दीन दे उत्ते सबर करेगा, अगर तेरा बेटा कुरान बने तो तू सबर करे, उनके वास्ते कमाई करे, तो अल्लाह दी कसम अल्लाह दुनिया ते भी इज्जत दे गई, अल्लाह आखरत दे अंदर भी इज्जत देंगे। आओ ना, मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा कुरान पढ़ता तो कुरान वाल जानदा, क्योंकि कुरान दी महफल है। कुरान बड़ा अजमतां वाला बरकतां वाला ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल्लिल मुत्तकीन। एक किताब ऐसी ला रैब है, इनके अंदर कोई शक नहीं। मेरे भाई अपनी औलाद नू कुरान दा हाफिज ते कारी बना। अल्लाह की कसम तुहाडे कोल बड़ा प्यारा मौका है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर ये इज्जत वास्ते तुहानू ये मुकाम देने वास्ते ये तुहानू औलाद दित्ती है, ते दीन वल लगा लेना। बड़ा ही खुशकिस्मत तो बाप हुंदा ही जिंदा पुत्र हाफिज़े कुरान होवे, बड़ा ही किस्मत वाला वह माँ हुंदी है जिंदा पुत्र कुरान दा कारी होवे, बड़ा खुशकिस्मत इंसान हुंदा ही जिंदे पुत्र दे सीने च सही बुखारी होवे। किसे दिल वाले बड़ी तर्जमानी कीती है, मैं सदके कुरआन दे कारी तू कुरआन दी महफिल प्यारी तू, मैं सदके कुरआन दे कारी तू कुरआन दी महफिल प्यारी तू, और जिस कुरआन नू सीने लाया ओनू अल्लाह ने चमकाया है, और जिन्ने कुरआन नू सीने लाया है ओनू अल्लाह ने चमकाया है। नाले पढ़दा जा, नाले पढ़दा जा, नाले चढ़दा जा, तेरा उच्चा मुकाम बनाया है। माँ बाप नू नूरी ताज मिले, माँ बाप नू नूरी ताज मिले, मैं सदके कुरान दी सरदारी दू, मैं सदके कुरान दे कारी दू कुरान दी महफिल प्यारी दू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।